विधानसभा जन प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि समिति के चेयरमैन राकेश पठानिया ने शिरकत की। बैठक में विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, इंद्रदत्त लगनपाल, धनीराम शांडिल ने शिरकत की। इस अवसर पर बैठक में पठानिया ने सरकारी स्कीमों का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे इसकी फीडबैक अधिकारियों से ली और योजनाओं का लाभ जल्द मिले इसके लिए आह्वान किया। चेयरमैन राकेश पठानिया ने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि सरकार की नीतियों का लाभ सभी को मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर कोई समस्या पेश आ रही है तो इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से राज्य को हर स्कीम के लिए धन मिल रहा है, तो इसका सही उपयोग सही समय पर होना चाहिए। आज आपके बीच में सरकार की जो नीति है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनको उनका विश्लेषण करने के लिए आपके बीच में आए। वी आर हियर टू सपोर्ट यू, नॉट टू क्रॉस क्वेश्चन। और हम चाहेंगे हम आप सबका कॉपरेशन इसमें मिले ताकि सरकार की परफॉर्मेंस का एक नया चैप्टर हम आगे बढ़ा सकें। मैं सारी समिति की तरफ से आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। और आप प्रधानमंत्री इतना पैसा भेज रहे हैं, प्लीज मैं आप जरा थोड़ा सा जागो अभियान के हिसाब से कुछ करें। और आपके आपने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वाले कहा है, दोनों ही एग्रीकल्चर स्टार्ट जो हो गया था दो, किसने किया था? डॉक्टर एचआर जीनियस ऑन द सॉयल मैनेजमेंट एंड वाटर कन्वर्जेशन एंड आपका हमीरपुर का ही। मैं तो सर इतनी नॉलेज रखता हूँ कि हुई हूँ, बाकी आई एम नॉट मच अवेयर, बट मेरे को इतना पता कि वो शर्मा जो भी एचआर शर्मा दैट मैनेज जीनियस इन सॉयल कन्वर्जेशन एंड काम किया था सर उसका, वाटर टेबल उठाया था मेरे को 5-7 मीटर तक इसमें वाटर टेबल उठा था। सीट 11 मीटर्स वेंट अप। इसमें 33 स्कीमें आईडीएच की सफाई हुई जो हमारा डाटा है। भाई देखिए ना आप एक मिनट लिए अपना विनय जी, जब आप पानी खड़ा करेंगे व्हेन यू विल चेक देम अदर रिसोर्स। और हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं पे काम हुआ सबसे पहले हमीरपुर में हुआ।